भारतीय बाजार में क्विड और डस्टर के बीच खाली पड़े स्पेस को भरने के लिए अपनी ऑल न्यू एमपीवी पेश की है। मॉडर्न, स्पेशियस येट कॉम्पैक्ट, दिस इज ऑल न्यू रेनो ट्रैवर। सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट लुक्स की बात करें तो रेनो ट्रैवर में कंपनी ने हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर दिए हैं, DRL यहाँ पे आपको LED मिलती है। इसके अलावा अगर आप इसकी ग्रिल की ओर देखेंगे तो यह आपको रेनो क्विड की याद दिलाती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ दिखने में आपको काफी लंबी लगेगी, लेकिन ये सब 4 मीटर के अंदर आती है। यहाँ आपको रूफ रेल्स, ब्लैक क्लेडिंग, इसके अलावा इसमें यहाँ पर आपको 15 इंच के व्हील्स मिलेंगे जो कि एलॉय के साथ आते हैं। लोअर वेरिएंट में कंपनी इसमें 14 इंच के व्हील्स दे रही है। ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm का दिया गया है जो इस सेगमेंट के लिए पर्याप्त है। रियर लुक्स की बात करें तो यहाँ सबसे अट्रैक्टिव आपको लगेगा इसमें दिया गया ईगल बीक टेल लैंप्स, हालांकि यह LED नहीं है। इसके अलावा आपको बीचों बीच रेनो का लोगो मिलेगा, ड्राइवर की यहाँ पर आपको बैजिंग मिलेगी। सामने से अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं तो यह आपको काफी बड़ी दिखाई देगी। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ भी आपको दिखा दें, यह 5 सीटर ड्राइवर है, इसलिए यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है 625 लीटर का बूट स्पेस जो कि काफी बड़ा लगता है। यानी कि आप ट्रिप पर जा रहे हैं या फिर लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको सामान रखने के लिए काफी ज्यादा जगह मिलती है। इसके अलावा 6 सीटर में बूट स्पेस 300 लीटर का है और 7 सीटर में यह आपको 84 लीटर का मिलता है। इंटीरियर में यहां आपको 2-tone कलर्स मिलते हैं। डैशबोर्ड के अपर पार्ट पर डीप ब्लैक कलर मिलता है, लोअर पार्ट और डोर ट्रिम्स के लिए व्हाइट टोन दिया गया है। एयर वेंट्स, AC डायल्स, स्टार्ट स्टॉप बटन पर क्रोम ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा डोर हैंडल्स और डैशबोर्ड पर सिल्वर एसेंट्स देखने को मिलता है। रेनो ट्रैवर में 8 इंच का मल्टीमीडिया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो मीडिया नेव एवोल्यूशन कनेक्टेड मल्टीमीडिया सिस्टम से लैस है। पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कंपनी ने इसमें 1.0 लीटर का इंजन दिया है जो 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-speed मैनुअल और 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है। इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है इस बारे में फिलहाल हम कुछ नहीं कहेंगे जब तक हम इसका रिव्यू नहीं करेंगे, तो इसके लिए आप बने रहिए जागरण हाईटेक पर।